मध्य प्रदेश के मुरैना में सरेआम बदमाशों ने अपने क्लिनिक में बैठे डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश का मुरैना सोमवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। शहर के बानमोर कस्बे में सिंधिया मार्केट में डॉक्टर जगदीश वर्मा के क्लिनिक में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये हमला उस वक्त हुआ जब डॉक्टर अपने क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे। इस वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि दो बदमाश क्लिनिक के सामने आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस दौरान हमलावरों का एक साथी क्लिनिक के सामने रेहड़ी पर खड़े होकर रेकी करता रहता है। इस दौरान वो शूटरों को इशारा करता है, जिसके बाद दो हमलावर क्लिनिक के सामने आते हैं और साइलेंसर लगे पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद क्लिनिक में मौजूद लोग दहशत में आ गए। बाहर खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। इस हमले में डॉक्टर को एक गोली सीने में और दूसरी पैर में लगी है। हमले के बाद डॉक्टर को ग्वालियर के बिड़ला अस्पताल ले जाया गया है। यहां से उन्हें जय आरोग्य अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जगदीश वर्मा, ये मैं डॉक्टर है। ये लगभग 4:30 बजे की बात है, जब ये पेशेंटों को देख रहे थे तो दो अज्ञात युवक उनके द्वारा फायर आर्म से उनके ऊपर हमला किया गया है और जगदीश वर्मा आहत हुए, जिनको ग्वालियर रेफर किया गया है। ट्रॉमा सेंटर में इनका इलाज चल रहा है।